मलिक साहब। हमारे घर में चोर आ गया। इस घर में परिंदा पर नहीं मार सकता, दरिंदा दर नहीं मार सकता तुम्हारी मौजूदगी में। क्यों? मैं चौकीदार हूँ कोई? और दरवाजे पे तीन तीन जंदरे लगाए हुए हैं। जंदरे मतलब ताले, फ्रेंच में कहते हैं जंदरे। अभी अभी मुझे बर्तन खड़कने की आवाज़ आई है। ओ जहाँ दो पाड़े खड़केंगे वहाँ आवाज़ तो आनी है, अब तो पूरा मोहल्ला सुनेगा। देखा देखा ये फिर आवाज आई, ये आवाज कहाँ से आ रही है मलिक साहब? मेरा ख्याल है दरवाजे से। सुबह सुबह तो सिर्फ चोर ही हो सकता है। शाइस्ता बेगम अभी रहने देते, रिपोर्ट बाद में लिखवाएंगे। और बड़ा चढ़ा के लिख देना, 10 लाख की जगह 20 लाख चोरी हुए। फाइटिंग फाइटिंग। अरे आप जाके देखे तो सही है कौन। अब मैं पागल में जाऊँ? अब मेरा ख्याल है कि खिड़की तो बिल्ली आई होगी। आप भी अजीब इंसान है, उस खिड़की से तो छिपकर ही नहीं आ सकती, बिल्ली कहाँ से आ जाएगी? आप जाके देखिए ना। पागल हो गई तू? और तो डरती है, मुझे कह रही है। अब नहीं, मैं तो नहीं डरती बिल्कुल भी, और मैं जाके देख रही हूँ बिल्कुल। और चले जाओ साथ, चले। मैं रहने दे, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। बेकार इंसान है आप, मैं खुद ही जाके देख रही हूँ। चोर पाया। ये क्या कर रही मेरे किचन में? ओहो, बंगला सनी ना मारी थे। रे, सास सिस्टर से बात करते बदतमीज। एक ते तो आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो, ऊपर से सवाल पूछते हो मेरे नाल। अरे भाई, किचन में क्या करते, शावर तो नहीं ना लेते? खाना पकता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओए पका रही हूँ, आपकी तो नजर ही कमजोर लग रही है, जैसे आप कमजोर होते चले जा रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है। एक्सक्यूज मी आंटी जी, मैं पेंडू जरूर हूँ लेकिन आप लोग इतना नेस्ती नहीं हूँ। तुमने शाइस्ता बेगम को नेस्ती कहा? इतना फिर और नहीं तो की, अब 12 बजे तक सोते रहते हो आप लोग। कोई सुबह सवेरे उठो, कोई अल्लाह रसूल का नाम पढ़ो कि नहीं? और बेबे कहती है सुबह उठने से सेहत भी अच्छी होती है, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, बरकत पड़ जाती है। टू हेल विद योर बेबे, बढ़िया ज्ञान बांटने वाली। बड़ी नहीं, छोटी हूँ मैं आपसे, और मेरी बेबे भी आपसे छोटी है। सारी बातें छोड़ो, किसकी इजाजत से तुमने मेरे किचन में कदम रखा? ले, और बेडरूम से किचन में आने के लिए कोई वीजा लेना पड़ता है? ऐ तो मुझे मालूम ही नहीं था। चलो आउट फ्रॉम माय किचन, सब गंदा कर दिया। सॉरी आंटी जी, ये किचन पहले आपका था, अब मेरा है। मैं इस कार की मालकिन हूँ, तो जवाब जी के दिल की धड़कन भी हूँ। दिल की धड़कन? ये शोर शराबे के साथ बदबू किस चीज की आ रही है? और बदबू नहीं, इसे खुशबू कहते हैं। और गोभी और मूली उबाली है मैंने, पराठे बनाने हैं, तनाल मैंने ऑमलेट भी बनाना है। तुम्हें पता है मैं पराठे नहीं पसंद करती, नहीं खाती। हाँ हाँ, इससे आपा आपके लिए नहीं, मैंने अपने लिए बनाए फास्ट ब्रेक। बिल्कुल जाहिल हो, बिल्कुल जाहिल हो। फास्ट ब्रेक नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट। हाँ वही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती ना, तो मत बोला करो। ओ बेबे कहती है अंग्रेजी बोलोगी तो अंग्रेजी आएगी, तो फिर मैं अंग्रेजी में ही बात कर लेती। ये पिंड नहीं है, मेरा मतलब है दिस इज नॉट अ पिंड, यहाँ पिंड वाले कानून नहीं चलेंगे। हाय सियापा, आप फिकर क्यों करते हो, मैंने इस कार को ना पूरा पिंड बना देना है। ओ बेबे ने जहेज में मुझे मज भी दिया, तो वो लॉन में बाहर पाल लूंगी, तो फिर ताजा ताजा दूध भी पियेंगे। पागल कर दोगी तुम मुझे? मेरे तिरछे उल्टे सीधे नमक पारे हैं, सास बहू के रिश्ते ये बड़े ही करारे हैं। हाय बेबे, इधर तो सारे के सारे नेस्ती नेस्ती हैं। ओ जी, दोपहर तक गधे घोड़े बेच कर सोते हैं, तो फिर रात को उल्लू की तरह जागते हैं। पर तू फिक्र ना कर बेबे, मैं सब कुछ उलट पुलट कर दूंगी। ओ आहो बेबे, ओ बिस्मिल्ला हो गई है बेबे। ते होर की, सास बहू के बीच में तू तो उम्मीद शुरू हो गई है, ते चेचे पेपे भी। ओ ना बेबे ना, तू छड़ दे, तेरी जरूरत पड़ी ना मदद की तो मैं तेनू फोन कर लांगी, इनके लिए तो मैं कल्ली काफी हूँ। चल बेबे, मैंने पराठे बनाने, तू फोन रख दे, खुदा हाफिज। ओ मैडोना इन बखर मंडी एंड देन शी। ओए होए होए, तौबा तौबा, नहीं बर्दाश्त मुझसे बिल्कुल। की होया? अरे जाहिल गवार, तो ये लड़की पहले ही थी बदतमीज, और बदजबान भी इस कदर की है कि बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है। ओ ठीक हो जाएगी, तुम्हारी सोबत में रहेगी ना, सीख जाएगी सारा कुछ। नॉट एट ऑल, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। अरे 2 मिनट की गुफ्तगु इससे की, गुफ्त तो कहीं थी ही नहीं। सर में दर्द हो गया, मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है, चाय पीनी। बरकत चाचा, बरकत चाचा कहाँ है? बरकत चाचा, ओ बरकत। हाय मामा जी। ओ मामा जी, आपके लिए ना लस्सी बना कर लाई हूँ अपने हाथ। ओ जिंदी रहो, जिंदी रहो, वाह 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 वाह। अरे आप इस जाहिल गवार को शाबाश दे रहे, एटिकेट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। इस बदतमीज को समझाओ कि मियाँ बीवी के कमरे में नॉक किए बगैर नहीं आते, समझे? हाँ हाँ, इससे आपा, आपकी कौन सी नई नई शादी हुई है जो मैं नॉक करके दरवाजा अंदर आऊंगी, और मियाँ बीवी आप वैसे ही बाद में हो, पहले तो ये मेरे मामा जी है ना? हाँ, और 50-50, आधा सच तुम बोल रही हो, आधा सच तुम्हारी सास बोल रही है। वैसे ये आधा सच जो होता ना, थोड़ा खतरनाक ही होता है। बरकत, बरकत चाचा। ओ आंटी जी, मैंने बरकत चाचा को छुट्टी दे दी है, वो भी हमेशा के लिए। व्हाट, क्यों? सुन रहे हैं आप,
इससे बरकत चाचा की छुट्टी कर दी, वो भी हमेशा के लिए। और मैं तो सुन सुन के सुन हो गया हूँ बिल्कुल। क्यों छुट्टी की, क्यों? हाँ है आंटी जी, आपने बरकत चाचा की उम्र देखी थी, इस उम्र में हमारी खिदमत करता हुआ अच्छा लगता था आपको, और मैंने ना उस पर तरस खा के छुट्टी दे दी उसको। मैंने क्या उसको कि जाके अपने दोतरे पोतरों के साथ जाके ना खेले। अरे बेवकूफ इलिटरेट, वो हमारा खानदानी मुलाजिम था। अब मैं भी खानदानी हूँ। या अल्लाह, इस अजाब से बचा ले मुझे। मुश्किल ही लग रहा है। बदतमीज लड़की, इस घर के काम आपके डैडी करेंगे? ओ आंटी जी, आप तो बड़ी सादा हो, कभी मरे हुए लोग भी आके काम करते। तो फिर आपकी बे बे आएंगी? ओ ना जी, मैं करूंगी। ओ वाह वाह, वेरी गुड। ओ जीती रहो मेरी पुत्र, जीती रहो। मेरा तो ख्याल है कि मासी को भी फारिग कर दो। आहो जी, ओ एक दिन का काम मैं कर लूंगी और दूसरे दिन का काम आंटी जी, और बरकत चाचा के जो पैसे बचेंगे ना वो हम 50-50 कर लेंगे, कैसा? ओ वाह वाह वाह, क्या प्लान किया है तुमने, वधिया काम किया है, वधिया मेरी बच्ची। आप इस गंवार की साइड ले रहे? ओ पुत्र, ये तुम्हारी आंटी जो है ना, ये मल्टीपल बीमारियों का शिकार है, ज्यादा अगर किचन में रहेगी ना स्किन खराब हो जाती है स्किन। ओ ना जी ना, ओ ये सब हडरामी करने से हुआ है, वो काम करेंगी ना घोड़े की तरह भागने लगेंगी। तुम ना अपना हॉर्स अपने पास रखो, काम करती मेरी सैंडल, मेरी जूती, माय फुट। आहा, गुफ्तगु से तो बड़ी फिटफाट लग रही हूँ भाई। और मैं, ओ एक मिनट, ओ बेबे की कॉल आ गई है, और 10 मिनट बाद मामा जी मामी जी को लेकर नीचे आ जाना, नाश्ता लगा रही हूँ मैं। आहो जी, लुक एट हर बेबे, बेबे द वे शी सेज बेबे। हाँ, पूरे घर को ठीक कर दिया बेबे। हाय अल्लाह जी जवाब जी, मैंने आपके लिए ना फ्रेश फ्रेश लस्सी बनाई, अपने हाथों से पी लो। मैं लस्सी नहीं पीता, मैं बैटरी लेता हूँ। हाँ हाय, मैं सुबह सुबह आपको कोई बैड चीज नहीं लेने दूंगी। बेड नॉट बैड, बेड यानी कि बिस्तर, दोनों अलग अलग बातें। और सुनने में तो बुरा ही लगता है ना। बरकत चाचा पति फारिग हो गए। मतलब उनकी छुट्टी हो गई हमेशा के लिए। मामा ऐसा नहीं कर सकती। ओ ना जी, और मैंने किया है। अरे क्यों किया, वो जो काम करते थे वो कौन करेगा? ओ अपना काम करना कोई बुरी गलत नहीं है। उरूसा वो हमारे घर के मुलाजिम नहीं थे, हमारे फैमिली मेंबर थे। हाय जवाद जी, आप भी तो सोचो ना, उनकी भी अपनी फैमिली है, तो निक्के निक्के पोते धोते सब कुछ है। तो मैंने उनको कहा है कि आप चले जाओ, तो फिर उनको ना हर महीने वो मिल जाया करे। वो क्या? वो ये जो होती है सैलरी मिल जाया करेगी। और मैंने ठीक किया ना जवाद जी? ये तो मैं मामा से पूछ के बताऊंगा। अच्छा फिर जल्दी से ये पी लो, और फिर मैंने आपके लिए ना बड़ा फास्ट ब्रेकफास्ट बनाया, तो वो भी आके खा। चलो लो शाबाश, और जल्दी करो रहा मुंह ना बनाओ। और बिल्कुल ही फ्रेश थी वो, जो मंज थी ना उसे मांग के लाई हो। सुभान अल्लाह, मूली के गोभी के परांठे। आहा, अम्मा जी याद आ गई। ये अम्मा जी को ज्यादा नहीं याद आनी, जाके मिलाए। ओ अम्मा जी ने क्या कल्ला नहीं आना, बहू नु नाल लेके आना। आहा, लसन और अजवाइन की चटनी, वाह 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 वाह, वेरी गुड। खबरदार मलिक साहब, आप 2 दिन तक कमरे में आए तो। बड़ी खुशखबरी सुनाइए, वैसे आपकी तलाक के लिए अर्ज़ है कि वो कमरा मेरा भी है। घर में एयर फ्रेशनर खत्म हो चुके हैं, समझ आई? गुड जोक, आई लाइक इट। वेयर इज माय ब्रेकफास्ट? आंटी जी सबके लिए मैंने यही बनाया, मैं स्लाइस खाती हूँ। कहाँ है मेरी ब्रेड? स्लाइस भी यही है तो ब्रेड भी यही है। अरे मामा कह रही है ब्रेड के साथ जैम जेली लेकर आओ। ओहो, वो वाली डबल रोटी, वो तो मैंने दूध में डाल के बिल्ली को दे दी खाने के लिए। व्हाट, ओह माय गॉड। ओ शाइस्ता बेगम, परौंठे खाओ, कमाल की खुशबू है। मलिक साहब ये जहालत बिल्कुल नहीं चलेगी मेरे घर में। शाइस्ता बेगम, मौत तो बराक है, वो तो आनी है, खाओ या ना खाओ, इस तो बेहतर खा पी के जाओ। उतने हो सकता है जन्नत में परौंठे ना मिले, वो भी खास तौर पे मूली के। वेरी फनी। हाय आंटी जी, चखे तो सही, मैंने बेबे के तरीके से बनाया है। तो कितनी बेवकूफ, ऊपर पंखा चल रहा है और तुम हाथ का पंखा अपने शोर पे झल रही हो। हाँ हाय आंटी जी, बेबे ने कहा था शोर की खिदमत करनी है, तो वही तो कर रही हूँ। आप शुरू तो करें तो फिर हम खाएं। जवाब जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं आपके दुश्मन नहीं हूँ, बीवी हूँ। मेरा पेट दुख रहा है, तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? हाँ हाय, मैं तो कह रही हूँ एक चमचा फक्की खा लो तो सब कुछ ठीक हो जाना है। सब कुछ खाया पिया पानी। फक्की लाओ, दे दो ये जहर भी दे दो। आहो जी एक मिनट। रुसा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है रुसा। आहो रुसा कुछ हो रहा है। आहो रुसा, आसानी हो जाएगी अब। अपना शाइस्ता बेगम जी बोले, ये मूली के जो परौंठे होते हैं ना, हाँ? वो जब बंदा खाए तो 2 चीजों में एहतियात करना चाहिए। मसलन? एक तो ये कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, दूसरा ये कि आग से दूर ही रहना चाहिए। तिरछे उल्टे सीधे नमक पारे हैं, सास बहू के रिश्ते ये बड़े ही करारे हैं। सोच समझ कर कहना मान बड़ों का, जोर लगा के खेल छक्का या चौका। नमक पारे हैं,
मामा मैंने नाश्ता कर लिया, मेरा पेट दुख रहा है। चलो डॉक्टर के चलते। नहीं नहीं डॉक्टर के पास नहीं। क्यों? मैंने पराठे खाए, उरूसा को बताया मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है, उसने मुझे कहा एक पक्की खा लो। मैंने पक्की खा ली मामा, उसके बाद पानी 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 मामा पानी रुक ही नहीं रहा। कोई करीबी वॉशरूम बता दे। चौकीदार के वॉशरूम? नहीं चौकीदार के नहीं, अच्छा डेड बेड वाईफाई यूज कर रही हूँ। माफ रखे तौबा, इस गंवार लड़की को तलाक दिला के इस घर से ना निकलवा रहा, तो मेरा नाम भी शायस्ता नहीं, शायस्ता ही ठीक है, कोई महमूदा ना रख दे। लड़की ये क्या जरूरत थी तुम्हें उल्टे सीधे पराठे पकाने के लिए, आलू गोभी मटर वटर सबके? ओ बेबे ने क्या सी, ओ पराठे इतने मजेदार बने थे ना, जवाब जी ने पूरे 5 पराठे खा लिए। तुमने और तुम्हारी बेबे ने हमारे खिलाफ साजिश की हमें मारने की। ओ सॉरी आंटी जी, पर गलती आपकी है। क्यों पराठे मैंने बनाए क्या? हाँ हाँ, पता नहीं कैसी तरबियत की है मेरे शोहर की, मम्मी डैडी बना दिया उसको। व्हाट व्हाट मम्मी डैडी? ओ जी पहले अगर पराठे ठूसे होते ना मुंह में तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। देखो तुम मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही हो। आपका बेटा बाद में, पहले मेरा शौहर है और मेरा कोई शौक नहीं ऐसा। मैं फिर कह रही हूँ अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ आई विल नॉट स्पेयर यू। हाय ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन और पराठे खिलाऊंगी ना, बिल्कुल फिट पार्ट ही हो जाएंगे। आई हेट योर मामा एंड आई हेट यू। लैम डू यू मेरे तिरछे उल्टे सीधे नमक पारे हैं, सास बहू के रिश्ते ये बड़े ही करारे हैं, सोच समझ कर कहना मान बड़ो। ओ कौन आ गया ये? सवेरे मूली दे परौंठे खाए ने भाई, माहौल खराब हो जाएगा यार। ओए मलक तू रहता शहर में, जुगते तेरी मरासियों वाली है वैसे। ओ सारी गल्ला नु छड्ड, ए दस सवेरे सवेरे सब ठीक है ना? ओए कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, शाम के 11 बज रहे तूने सवेर सवेर की रट लगाई हुई है। ओए गांव में ना इस टाइम पे लोग रात के खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ओ ये शहर है, अभी पूरी तरह सवेर भी नहीं हुई इधर। गांव से मतलब पहले मैं लड़के वाला था, अब अपनी ती दे दिए तब मैं ती वाला हूँ, ये मेरी ती का घर है, जिस मर्जी वेले आऊं मैं। हाँ ओ तो ठीक है, मेरा मतलब कहने का ये है कि बगैर मतलब के तू खेत नहीं जाता, घर ही आ गया सीधा। ओए गल ये मलक, मैं अपनी धी और जवाई के लिए मैं नाश्ता लेके आया हूं, नाश्ता। हाँ ओ नाश्ता तो होनी कीता सी यार। तो फेर कर लेना, इसमें सरसों का साग है और मकई की रोटी। हाँ और ना यार माफ कर यार सर। गल सुन मलक, तेरे घर में मेहमानों को अंदर ले जाने का रिवाज नहीं है, सारियां गल्लां ते खड़ो के करदे हो। आ क्यों नहीं चल अंदर चल के आराम नाल बैठ। चल हां चलते चलते, पहले तू परजाई को तो भेज, रूसा की बेबे का सलाम कहना है। ओ अंदर ते चल ना, अंदर चल तू चल। ओ शाइस्ता बेगम, वो आपसे ना कोई मेहमान मिलने आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना, जो भी आपसे कहे 9-11 हो जाए फौरन। ओ वो तो लॉन में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है भाई। मैंने कह दिया ना मुझे किसी से नहीं मिलना, जाए। दरअसल बात ये है कि वो उरूसा का चाचा है। क्या एक नमूना वो हमारे घर में कम थी, जो दूसरा भी आ गया। वो आहिस्ता बोलो, मलक इज्जत उर्फ मौला जाट ने सुन लिया ना तो दंगल शुरू हो जाएगा, लाशें गिरेगी और तुम बेवा भी हो सकती हो। बताया तो है मैंने आपको, आपके खानदान में सारे के सारे मर्द शक्ल से ही कातिल लगते हैं। वो बड़ा खतरनाक बंदा आएगा, और सुबह सुबह घर से निकलता है मोहल्ले में आवाज लगाता है कत्ल करा ले। खतरनाक होगा अपने घर में, चलें जाएं। जब वो 8 साल का था तो मौलवी साहब उसको पढ़ा रहा था, अचानक मौलवी साहब ने उस पर हाथ उठा लिया, बस फिर। अच्छा फिर? वो मौलवी साहब ना टूटा हुआ हाथ दूसरे हाथ पे रख के गांव-गांव फिरता रहा, कोई जोड़ने वाला नहीं मिला उसको। मलिक साहब आप इतने खतरनाक आदमी से मुझे मिलवाना क्यों चाह रहे हैं? वैसे मुझे नहीं मिलना उनसे। और वो खुद तुमसे मिलना चाहता है, और जल्दी चलो, ज्यादा इंतजार उसको पसंद नहीं है। अच्छा बात सुने, चला जाएगा ना? अच्छा खैर एक वादा कर, आप साथ रहेंगे ना मेरे? हाँ क्यों नहीं, पर एक बात का ख्याल रखना, अपनी जबान पे और गुस्से पे कंट्रोल रखना, वो बंदा जरा मेंटल है। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल, मुझे पता है सबके सब मेंटल, आपका पूरा खानदान मेंटल। तभी तो तुमसे ब्याह किया है मैंने। तो चले यार, यार तस्वीर में कोई चेहरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, ये किस कदम की तस्वीर है? ओ सलाम भाभी जी, सलाम। मालिक मालिक तुम जरा बात जाओ, मुझे ना भाभी जी से कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी है। चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं ना बाहर उनसे बात नहीं करती, शोर के बगैर। ओ जा यार तू बाहर जा, चलो। क्या हो गया, की हो गया? बाहर जाओ। बड़ा नशे बंदा यार। नहीं
भाभी जी आप बैठे, तस्वीर रखें। भाभी जी बात दरअसल ये है कि हम जो है लड़की वाले हैं और हमारी जो लड़की है ना वो सीधी सादी भोली भाली, उसने कभी कदम गांव से बाहर नहीं निकाला। हाँ जी किस लड़की की मेरा मतलब है किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? ला दसो अपनी रूसा और कौन? वो सीधी सादी है। हाँ जी क्या उसने आपके साथ बदतमीजी की है? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं नहीं। उसने कोई ऐसी ऐसी बात की है तो मुझे बताए, मैं उसके कान खींच दूंगा अभी। नहीं 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 वो तो बहुत अच्छी, वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यार है हम दोनों में, मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत लाड करती हूँ, बहुत सीधी सादी आपकी तरह बिल्कुल। थैंक यू भाभी जी आपने मेरी टेंशन दूर कर दी। आप बैठे जाना नहीं आपने? हाँ जी मेरी भी टेंशन दूर हो जाएगी। मेरा पुत्र, मेरा पुत्री सब ठीक है ना? आहो जी सब चंगा है, सब ठीक ठाक खैरियत है। आहो पर बेबे की बड़ी याद आती है। ओ नहीं मेरा मतलब ये है पुत्री कोई सास बहू का झगड़ा है तो बताओ मैं सब ठीक कर दूंगा बेटी। ओ ना जी चाचा जी ओ मैं कल्ली काफी हूं। हां जिंदा रहे मेरा पुत्र जिंदा रहे। ओ मेरा पुत्र आराम से, मेरी हालत पहले बहुत खराब है। पुत्री इसको क्या हो गया? ओ चाचा जी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है चाचा जी, पेट में इनको दर्द हो गया है, पराठे बना के दिए थे ना जब से पेट में दर्द हो गया। ओए दस ओ ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ अब चल मेरे साथ। कहाँ? ओ चल तो सही मैं बताता हूँ देसी दवा खाने। आ जा उसा। दंड पेल तेरे आज तक कोई नहीं मरा, चल शाबाश कर शुरू हो जा चल। आप एक काम करें आप मुझे वैसे ही मारते हैं। अल्लाह तुझे हती दे मैं तेरा हमदर्द हूँ, चल शाबाश शुरू कर चल। नहीं नहीं कर सकता। चल पुत्र तेरे लिए मैं कंसेशन, तू ऐसा करके सौ ला। नहीं होगी नहीं होगी। ए ए लाता है कि मैं जुती लावा है। अच्छा 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 एक शाबाश दो शाबाश हाय अल्लाह ये क्या कर रहा है मेरे बेटे के साथ? मामा वाह वाह चाय मेरे जान पहले इसका पेट खाली है। सास बहू के रिश्ते ये बड़े ही करारे। हेलो जी लत्ती आ गई। बिस्मिल्लाह करो जी बिस्मिल्लाह। आप भी ले ना। सॉरी भाई साहब मैं घास फूस नहीं खाती। अच्छा जो सवेरे सवेरे आप सलाद के पत्ते खाती हैं वो भी तो पौधा ही है ना? हाँ ओ चाचा जी ओ लत्ती भी पत्ता पचाई को भी दे। मॉम मैं ये नहीं खा सकता। भाभी जी अगर आपने साग नहीं ना खाया तो फिर हमारी जंग हो जाएगी। हाँ नस्लो चलेगी नस्लो। दरअसल इन्होंने बताया नहीं मुझे शुगर और बीपी की बीमारी है सख्त किस्म की, मुझे सब चीजें मना है। ओ बासो सरसों का साग खाने से ना शुगर खत्म हो जाती है, इसमें बड़ी शिफा है। बीपी जो है ना वो हवा हो जाता है और दिल जो है ना धड़क धड़क धड़कने लगता है। और शाइस्ता बेगम अभी प्यार से समझा रहा खा लो वरना उसके बाद दूसरे तरीके भी हैं। जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ क्या? ओए मलिक समझा दे भाभी जी को, भाभी जी ने ना मेरा अभी प्यार देखा है, दे अगर मुझे गुस्सा आ गया ते। नहीं मुझे तो बहुत पसंद है ये, तो पालक ही खाती हूँ सुबह दोपहर शाम। हर वक्त यही पकाती हूँ। मजेदार है ना भाभी जी। अब मेरी बात सुन है, और हमें तू ये खिला रहा है और तू बर्गर खा रहा है। ओ यार मलिक दरअसल मैं जो है ना शहर बाबा जी का बर्गर खाने के लिए आया हूँ। हाँ बाबा जी का बर्गर और बंद कबाब क्या है? बंद कबाब। और पुत्री शोर को ना पेट भर के खिलाना है, पेट में इंच इंच जगह खाली नहीं लेनी चाहिए, समझ आ गई? मैंने खा लिया है। फिर शुरू का मैं और नहीं खा सकता। एदा मतलब है कि मैं समोर। चलो चलो शाबाश। आहे मामा मेरा बच्चा। मामा मैं तो उड़ भी नहीं सकता, मैं वॉक पे क्या जाऊंगा? अरे मैं क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है सारी जिंदगी का खाना मैंने एक दिन में खा लिया, अल्लाह पूछेगा इसको। हाय हाय आंटी जी क्या हो गए? वही जो तुमने हमारे साथ किया, खिला खिला के हमारा
लाया की गाल हुई, अभी तो मैंने चाचा जी की फरमाइश पे बड़े के पाए बनाए तो वो आपको डाइनिंग टेबल पे बुला रहे हैं। पाए? हाँ हाँ। तिरछे उल्टे सीधे नमक पारे हैं।